मॉडर्न आर्ट में लोग ऐसा तो क्या ही कर देते हैं कि इनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए की बिकती हैं। एग्जांपल के लिए ये वाली पेंटिंग ही ले लो। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी 2-4 साल के बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से किकल काटी कर दी है, पर इस पेंटिंग की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। तो सवाल आता है कि ये पेंटिंग्स इतनी महंगी बिकती क्यों है। गजब का नॉलेज एडिशन करेंगे, आपका लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बस देखिए, मॉडर्न आर्ट से पहले जो कन्वेंशनल आर्ट होती थी उसमें इंसानों की, जानवरों के जो लैंडस्केप्स होते थे उनकी जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो काफी हद तक रियल जैसी बनाई जाती थी। लेकिन उसके बाद कैमरा इन्वेंट कर दिया गया और कैमरा जो फोटोज खींचता था वो ऑब्वियसली इन पेंटिंग से बेहतर खींचता था। तो पेंटर्स ने कुछ नया जुगाड़ निकाला कि ऐसा कुछ करते हैं जो कैमरा नहीं कर सके। उन्होंने इंसान, जानवर और जो लैंडस्केप्स होते थे उनको ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल और किसी भी तरीके की अजीब सी शेप से दिखाना शुरू कर दिया और इसको नाम दिया मॉडर्न आर्ट। कुछ रईस लोगों को इन पेंटिंग्स में कल्चर, ट्रेडिशन, स्ट्रगल, मोटिवेशन, इमोशन सब दिखाई देता है। क्या आपको इन पेंटिंग्स में कुछ दिखाई देता है और आप इनके लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।